Which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? ये चार जो है sperm के जो है कुछ parts दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि इन चार में से ऐसा कौन सा part है जो sperm के penetrating में help करता है। मतलब जैसे जब sperm आता है ये membrane है, तो इसके attachment में, जैसे ये ovule है और ये sperm है, sperm और ovule जो है अटैच होंगे एक दूसरे से, तो उसमें कौन सी membrane help करती है? क्या एलोसोम हेल्प करेगा, या फिर टेल, या फिर ऑटोसोम, या फिर एक्रोसोम? एक्रोसोम क्या करता है? स्पर्म के पेनिट्रेटिंग में हेल्प करता है विद द एग मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इन ऊसाइट सेकेंडरी मैच्यूरेशन अकर इन, ऊसाइट में सेकेंडरी मैच्यूरेशन किस फेस में होता है? पहला ऑप्शन है ओवरी, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी, तीसरा है फेलोपियन ट्यूब, चौथा है यूट्रस। तो ऊसाइट के अंदर सेकेंडरी मैच्यूरेशन जो होता है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग। फर्स्ट ऑप्शन इज आरएनए, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज डीएनए, एंड फोर्थ इज राइबोसोम। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डीएनए। मतलब जो एग होता है वो उसका रोल क्या होता है, स्पर्म को ले जाता है, मतलब कैरी ऑफ करता है, और साथ साथ में जो है वो और भी क्या करता है, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब स्पर्म खुद को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब अभी वो जो है पेनिट्रेट नहीं हुआ है ओवम के साथ, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या उसे स्पर्मिएशन कहते हैं, या फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर कैपेसिटेशन? उस प्रोसेस को जो है स्पर्मिएशन कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे स्पर्म रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये स्पर्म जो है ये रिलीज कहाँ से हो रहा है? क्या सेमिनिफेरस से रिलीज हो रहा है, या फिर वास डिफेंस से, या फिर इपिडिडाइमा से, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हो रहा है? स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से बिलोंग नहीं करता है? सिमाइनल वेसिकल करता है, प्रोस्टेट भी करता है, और बल्बिथुअल ग्लैंड भी करता है, बट एम्पुला जो होता है ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा। इन चार में से ऐसा कौन सा हारमोन है जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है? प्लेसेंटा SCG हारमोन सिक्रीट करता है, इस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्ट्रोन हारमोन भी सिक्रीट करता है, बट प्लेसेंटा LH हारमोन, मतलब लुटिनाइजिंग हारमोन सिक्रीट नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाई द पिट्यूटरी हारमोन नोन एज। सर्टुलाई सेल को कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करता है? क्या LH करता है, या फिर FSH करता है, या फिर GH करता है, या फिर प्रोलैक्टिन करता है? सर्टुलाई सेल को कौन रेगुलेट करता है? FSH करता है। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सर्टुलाई सेल को रेगुलेट करता है, और कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। यूट्रस का सबसे जो लोअर पार्ट होगा और वो नैरो होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे यूरेथ्रा कहते हैं, या फिर सर्विक्स कहते हैं? जो सबसे नैरो और सबसे लोअर पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी।